हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम एक विकसनशील देश है, और कई बार विकसनशील देश हो चाहे विकसित देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था को आंकते हुए उसकी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है इसके आधार पर आंका जाता है। और ग्रोथ रेट के बारे में कई बार चर्चाएं होती है, और पिछले कई सालों में कभी हमारा ग्रोथ रेट आगे बढ़ा, कभी कम हुआ। अब तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा होगा, इस प्रकार का भी प्रेडिक्शन है। किंतु मूल रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रोथ रेट की बात करता था तो इस देश में एक धड़ा ऐसी चर्चा करता था कि आप क्या ग्रोथ रेट की बात करते हो, इस ग्रोथ रेट में गरीब तो है ही नहीं, ये ग्रोथ रेट तो चंद लोगों के भरोसे, अगर जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है तो ये जीडीपी ग्रोथ ये मुट्ठी भर लोगों की ग्रोथ है, और इससे डिस्पैरिटी बढ़ रही है, जो दूरिया है अमीरों में गरीबों में और दूरिया बढ़ रही है, इस प्रकार की एक चर्चा बार बार हुआ करती थी। लेकिन इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ही पूरे तरीके से मोदी जी ने बदल दिया। जिस मोदीनॉमिक्स की बात की जाती है, उस मोदीनॉमिक्स में मोदी जी ने सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया कि विकसनशील देश में जब हमारे विकास की अवधारणा हम करते हैं तो उसमें एक बड़ा निवेश ये स्टेट करता है, राज्य करता है, देश करता है, देश की सरकार करती है, जो जीडीपी के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एक एक्सीलरेटर का काम करती है। इस जीडीपी ग्रोथ में सरकार के निवेश की पद्धति को बदलकर गरीबों के लिए निवेश करने का काम मोदी जी ने शुरू किया, और जीडीपी ग्रोथ में जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री को एक प्रकार से इंडस्ट्री का चक्र चले, इस दृष्टि से जो सारे कार्यक्रम हाथ में लिए गए, तो गरीब कल्याण के एजेंडे के तहत चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, चाहे वो शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे अलग अलग प्रकार की योजनाएं, जो सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, इन योजनाओं का हश्र क्या था, तो इन योजनाओं में इस प्रकार का निवेश हुआ कि जिस निवेश के चलते हमारे देश की इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रकार की डिमांड मिली, उसके कारण उनको ग्रोथ मिली, उसके कारण उनको भी बड़े पैमाने पर एक प्रकार से साधन संपत्ति कमाने का एक अवसर मिला, और उसके साथ साथ रोजगार की निर्मिति हुई। तो पहली बार मोदीनॉमिक्स में कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो आपकी ग्रोथ है ये मुट्ठी भर लोगों के लिए, क्योंकि ये ग्रोथ ही जो तैयार हुई वो गरीबों के कल्याण से तैयार हुई, गरीबों के लिए जो निवेश हुआ उस निवेश में से ये ग्रोथ तैयार हुई, और एक नए प्रकार का ये ग्रोथ का फंडा इस देश के अंदर मोदी जी के इस सारे कार्यकाल में हमने देखा।